आज का पहला सवाल है, अकमल कुरैशी हैं उपाड़ा से। वो कहते हैं जी कि इमरान खान के जलसों में आवाम की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत और सपोर्ट अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इमरान खान के जलसों का असल मकसद क्या है? और क्या आपके ख्याल में ये फैक्टर तो नहीं कि तहरीक इंसाफ को ये डर हो कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत महंगाई में थोड़ी बहुत कमी भी कर गई तो इमरान खान का बयानिया कमज़ोर पड़ सकता है? अकमल कुरैशी साहब, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ज़ाती असेसमेंट है, मैं तो बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरा ज़ाती कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, ये जितने भी इंजेक्शन दे लें इस हुकूमत को, ये इनके बस की बात नहीं है, चूँकि हालात वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट, सूरत हाल ही ऐसी है कि वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कोई ढंग का रिलीफ दे सकेंगे। बहुत ज़्यादा अगर कोई चालाकी करेंगे तो इस हाथ से देंगे, इस हाथ से वापस ले लेंगे, इस तरह का कारोबार हो। अच्छा, जलसों का असल मकसद जो मेरी समझ में आता है वो इतना है कि पहली बात तो ये है कि तीन राउंड्स में पेशावर, कराची और लाहौर, इस बात को तो मुस्तरद करके दिखा दिया इंतहाई हकारत से, धुतकार दी गई ये बात कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुका है। तारीखी जलसे वाकई सही मानों में एक तो ये बताते खुद एक मकसद था, क्योंकि एक परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था कि इमरान खान पॉपुलैरिटी खो चुका है। एक तो वो तो उसका जवाब तो बहुत तगड़े अंदाज में मिल चुका है इनको। बाकी अगला मसला है इमरान का, ऑब्वियसली जो अवाम का भी है, इलेक्शन करो और फैसला करो, तुम किधर से आके बैठ गए हो, केसों के अंबार हैं तुम पे, आ गए हो, अब इलेक्शन कराओ, ताकि अगर इसको जमहूरियत कहते हो तो लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड कि वो अच्छा है या बुरा है, ये तो बहस बात की है, फिर फैसला होने दो। सो बुनियादी तौर पे प्रेशर बिल्ड और कह भी रहा है इमरान कि इलेक्शन का इनका बर वक्त यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ जिस तरह के जैसे हो रहे हैं उसमें तो फिर इनका इलेक्शन की तरफ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। सो सूरत हाल सांप के मुंह में छिपकली जैसी हो गई है, देखते हैं बनता क्या है।